दिख रहा है फिल्म धूम 4 का। जी हाँ, तो यहाँ धूम सीरीज की ये फिल्म काफ़ी लंबे वक्त से अटकी हुई दिख रही है और जिसके अभी हम फाइनली जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर धूम 4 जो कि एक बार फिर से ट्रैक पर तो आएगी ही, लेकिन उसके साथ ही ये फिल्म जा सकती है किंग खान के पास। जस्ट यहाँ शाहरुख से बेहतर धूम 4 का विलन और कौन होगा, तो जैसे कि यहाँ पर धूम 4 के लिए पहले भी कई सारे स्टारों का नाम सामने आ चुका है और यहाँ पर शाहरुख का नाम भी इसमें शामिल था। और क्योंकि यहाँ पर शाहरुख जो कि बैक टू बैक दो धमाकेदार फिल्में यानी कि पठान और जवान में ऐसे किरदार निभा चुके जो कि एक्शन से भरा हुआ रहा है, तो उसी में इस कारण से धूम 4 के लिए शाहरुख और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाते। लेकिन उसके साथ ही शाहरुख जो कि अब हमें डॉन 3 में भी नहीं दिखेंगे, इस कारण से शाहरुख का इस फिल्म में होना और भी ज़्यादा शानदार हो जाता है। तो ऐसे में तो अब यहाँ पर सोचा जा सकता है कि शाहरुख जो कि हमें धूम 4 में दिख सकते हैं और यहाँ पर शाहरुख की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म तो जुड़ी सकती है। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये भी पक्का है कि शाहरुख जो कि हमें धूम 4 में दिखते भी है तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाली है क्योंकि ये यशराज फिल्म की मूवी रहेगी। तो इसे में उम्मीद ला सकते हैं कि शाहरुख हमें धूम 4 में दिखेंगे और इस फिल्म के लिए हमें अच्छा खासा वेट भी करना होगा।